प्रौढ़ अवस्था में साइकोसिस की बीमारी, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। 60 साल के बाद में साइकोसिस एज सच बहुत कम मात्रा में, कम प्रमाण में दिखाई देता है। अभी ये जो मेरे पास में लेडी को लेके आए थे, उसकी उम्र करीब करीब 66 साल की, और वो बड़बड़ करती रहती है अपने आप से, कभी कभी चिल्लाती है, गाली गलौज करती है, नींद नहीं आती, खाना उसका कम है, और पिछले कुछ महीनों से उसका इलाज चालू है, और इलाज से थोड़ा ठीक रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है, मगर जितना चाहिए उतना कभी ठीक हुई नहीं। उनको डायबिटीज़ की भी बीमारी है, और वो कंट्रोल में रहता नहीं क्योंकि ये खाना पीना बराबर खाती नहीं है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसके लिए भी दवा दिया है डॉक्टर ने, मगर वो भी बराबर कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये गोलियां लेती नहीं है। ये पिछले 20 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमारी चालू हो गई। क्या होता है कि ओल्ड एज में ज़्यादातर बीमारी जो दिखाई देती है वो है डिल्यूजनल झोपती, मतलब चमड़ी के नीचे ऐसा लगता है कि कीड़े चल रहे हैं, और कीड़े ऐसे उसका सेंसेशन लगता है कीड़े चलने का, वो एक लगती है ओल्ड एज में बीमारी। ओल्ड एज में डिमेंशिया भी होते रहता है, डिमेंशिया मतलब स्मृति भ्रंश, तो वो भी होते रहता है। ओल्ड एज में डिप्रेशन भी हो सकता है, और ओल्ड एज में ऐसे साइकोसिस भी होता है जिसको पैरानॉइड साइकोसिस बोल सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो जब हमने देखा तो उसका ये था, मतलब हिस्ट्री जब देखी तब कि भाई घर के जो लोग थे वो उसको तंग आ गए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपना, ये पिछले कई सालों से दिख रहा है, 60 साल के बाद में करीब करीब इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा भुलक्कड़पना, उसको ऐसा लगता था कि लोग मेरे तरफ अभी ख्याल नहीं दे रहे। घर में ये लेडी जो थी जरा प्रमुख थी, मगर अभी क्या हो गया, 60 साल के बाद में जरा उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मतलब याददाश्त नहीं है, चिड़चिड़ापना है, तो उसको जरा टालने लगे, उसको साइड ट्रैक किया। जब साइड ट्रैक किया तो उसको और लगने लगा कि देखो मेरे को पूछते नहीं है, पहले पूछते थे, पहले मेरे हाथ में चाबियाँ थी, अब चाबियाँ भी निकल गई, कंट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे इसमें फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे, और उसमें उसको साइकोसिस हो गया। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर पहले से ही है, और उसमें ये साइकोसिस की बीमारी, तो इसमें बहुत कठिन जाता क्योंकि पेशेंट तैयार नहीं है ठीक होने को। मगर हमने बोला ठीक है, इसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। बोले हम तो इनको छोड़ने के लिए आए हुए, रिलेटिव्स बोले हमको तो घर में रखना भी नहीं और हम भी रह सकते नहीं है क्योंकि इतने हम तंग आ गए। बोले ठीक है हम रखते हैं उनको। तो हमने फिर उनको हमारे हॉस्पिटल में रखा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हम बिना रिश्तेदार लोगों को भर्ती करते हैं, हम उनकी केयर लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स कभी कभी इतने तंग आते हैं, घर में रखना मुश्किल है, घर छोटा रहता है, घर में बच्चे रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को घर में संभालना भी उनको ठीक लगता नहीं, हम उनको लेते हैं हमारे पास में रखते हैं। क्या होता है कि हमारे पास में रखे तो ज़रा लोग ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो पहले का जो घर के लोगों के बारे में दिमाग में रहता है वो सब निकल जाता है। हमारे यहाँ जरा हम कड़क भी रहते हैं, नहीं गोली लेना पड़ता है, चलो उठो खाना खाओ नाश्ता करो, मतलब हमारे लोग उनके पीछे लगते हैं तो फिर वो करते भी है। घर के लोग तंग आ जाते हैं, घर के लोगों का सुनते भी नहीं है, और घर के बच्चे फिर माँ को कैसे बोलेंगे कि नहीं उठो खाना खाओ स्नान करो, वो बोल भी सकते नहीं है, हम बोलते हैं, तो उसमें वो हमारे वातावरण में काफ़ी लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो हमने उसको दवाई दिया, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन प्लस हमारा डिसिप्लिन हॉस्पिटल का, और उसमें वो काफ़ी ठीक होना चालू हो गया। हम टाइम टू टाइम डायबिटीज़ की दवाई दे रहे हैं, टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हैं, और उसमें उसको अच्छा लगने लगा। तो ये संभव है कि ओल्ड एज में साइकोसिस और ओल्ड एज में लोगों को घर में रखना संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमने व्यवस्था की, उसका उन्होंने अच्छा फायदा ले लिया और पेशेंट ठीक हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। हमारी ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऐप है प्ले स्टोर से, और कुछ आपके सवाल होंगे तो नंबर पे कॉल करो। थैंक यू वेरी मच।